साइंटिस्ट ने ऐसे जीव बना डाले आपको विश्वास नहीं होगा। साइंस का हमारी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है, हमारी जिंदगी आसान होती जा रही है। मुश्किल से मुश्किल कंस्ट्रक्शन के काम हो या फिर गंभीर बीमारियों का इलाज हो, साइंटिस्ट अपनी मेहनत से हर काम को आसान बना रहे हैं। काम को आसान बनाने के साथ ही साइंटिस्ट के कई कामों ने लोगों को हैरान भी किया है। साइंटिस्ट के द्वारा किए गए ऐसे कई सारे काम हैं जिसने लोगों को हैरान किया। लोगों को हैरान करते हुए साइंटिस्ट ने जानवरों की कई सारी हाइब्रिड प्रजाति तैयार की हैं। एक प्रजाति के जानवर का दूसरे प्रजाति के जानवर के साथ क्रॉस कराकर एक नई प्रजाति तैयार की गई है। इसके अलावा भी साइंटिस्ट ने कई और ऐसी चीजें बनाई हैं जो ना सिर्फ आपको हैरान करेंगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं साइंटिस्ट ने अब तक कौन कौन सी हैरान करने वाली खोज की है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहे। 10. द ह्यूमन जी हाइब्रिड तरीके से जानवरों की नई प्रजाति तैयार करने का तरीका भले ही आपको नया लगे, लेकिन लगभग 100 साल पहले भी ये काम हो चुका है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंसान और चिंपांजी का डीएनए 96% तक मैच करता है। डीएनए सिमिलैरिटी को देखते हुए साइंटिस्ट ने इंसान और चिंपांजी को मिलाकर एक नई प्रजाति को तैयार करने की बात सोची। 1910 में सोवियत यूनियन के बायोलॉजिस्ट इलिया इवानोविच इवानोव ने इंसान और चिंपांजी को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन इवानोव अपने काम में लगे रहे। पहले इन्होंने ह्यूमन स्पर्म और फीमेल चिंपांजी पर काम करना शुरू किया, लेकिन चिंपांजी को प्रेग्नेंट करने में उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने चिंपैंजी के स्पर्म से ह्यूमन फीमेल को प्रेग्नेंट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से किसी भी तरीके से उन्हें सफलता नहीं मिली। कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट करने के कारण 1930 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल जेल में बिताने के बाद उनकी मौत हो गई। 2018 में गॉर्डन गैलप ने एक दावा किया था। दावे के अनुसार 1920 में फ्लोरिडा में लैब में ह्यूमन स्पर्म से फीमेल चिंपैंजी को प्रेग्नेंट कराया गया और चिंपैंजी ने बच्चे को जन्म भी दिया था, लेकिन बच्चे के जन्म के थोड़े ही समय बाद साइंटिस्ट ने उसे मार दिया। बच्चे को देख साइंटिस्ट घबरा गए और खतरे को भांपते हुए साइंटिस्ट ने बच्चे की जान लेने में ही भलाई समझी। 1967 में चीन में भी चिंपैंजी और ह्यूमन स्पर्म से एक नई नस्ल को तैयार करने की कोशिश हुई थी। एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व डॉक्टर जी योंगशांग के अनुसार शेंगयांग के एक लैब में ह्यूमन जी को डेवलप करने का काम शुरू किया गया था। फीमेल चिंपैंजी ह्यूमन स्पर्म से प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन उसी दौरान चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया और साइंटिस्ट्स को खेतों में काम करने भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि देखभाल के बिना 3 महीने की प्रेग्नेंट फीमेल चिंपैंजी मर गई। 9. स्पाइडर गोट यदि आपसे कहा जाए कि एक बकरी भी सिल्क प्रोड्यूस कर सकती है तो फिर आप इसे मजाक ही कहेंगे, लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने ऐसी बकरी तैयार की है जो सिल्क प्रोड्यूस करती है। सिल्क प्रोड्यूस करने वाली इन बकरियों में नॉर्मल बकरी के मुकाबले कोई फर्क भी नहीं है। तो फिर ये कैसे सिल्क प्रोड्यूस करती हैं? दरअसल सिल्क प्रोड्यूस करने वाली इन बकरियों को मकड़ी के डीएनए के साथ डेवलप किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग के रिसर्चर रैंडी लुइस और उनकी टीम ने मकड़ी में सिल्क प्रोड्यूस करने वाले डीएनए को बकरी में मिल्क प्रोड्यूस करने वाले डीएनए के साथ मिलाया। इस डीएनए मैच से कुल 7 बकरी पैदा हुई। इन 7 में से 3 में सिल्क प्रोड्यूस करने वाला डीएनए पाया गया, बाकी 4 बकरी में डीएनए मैच फेल हो गया। जिन 3 बकरियों में डीएनए मैच सफल रहा, उन तीनों के दूध में अत्यधिक मात्रा में सिल्क पाया जाता है। इस डीएनए मैच से बकरी के हेल्थ पर भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा। सिल्क प्रोडक्शन के लिए साइंटिस्ट अपने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि मजबूत नेचुरल सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके। 8. द सडन डेथ मॉस्किटो मच्छर को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और इसके पीछे कई वजह भी हैं। दुनिया में अब तक जितने लोग युद्ध की वजह से नहीं मर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग मच्छर से होने वाली बीमारियों की वजह से मर चुके हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी के लिए मच्छर आज भी सबसे बड़ा दुश्मन है। डेंगू और मलेरिया से हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है, और ये दोनों बीमारी मच्छर की वजह से ही होती है। मच्छर से होने वाले खतरे को देखते हुए ब्रिटेन की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सीटेक ने रिसर्च के बाद ऐसे मच्छर को तैयार किया है जिस मच्छर से मच्छरों की पूरी आबादी ही खत्म हो सकती है।
लैब में जिस मच्छर को तैयार किया गया है उस मच्छर से पैदा होने वाला मच्छर मैच्योर होने से पहले ही मर जाता है। लैब में सिर्फ मेल मच्छर को ही तैयार किया गया है और ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस मच्छर को जंगल में छोड़ने के बाद इस इलाके से 3 महीने के अंदर ही मच्छरों की लगभग 80% आबादी खत्म हो जाएगी। इस मच्छर से जो भी मच्छर पैदा होगा वो मच्छर मैच्योर होने से पहले ही मर जाएगा। इस तरह से आबादी आगे नहीं बढ़ पाएगी और मच्छर खत्म हो जाएंगे। मच्छरों से निजात पाने के लिए भले ही ये सबसे कारगर उपाय लगे लेकिन इस प्रोजेक्ट पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दुनिया से पूरी तरह मच्छर को खत्म करने से एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। फ्लोरिडा के एक इलाके में इस मच्छर को रिलीज करना था ताकि इलाके से मच्छर को खत्म किया जा सके लेकिन स्थानीय लोगों ने एक पेटिशन डालकर इस एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दी। 7 हाई ऑक्टेन बग्स। फिलहाल पूरी दुनिया नेचर द्वारा दिए गए फॉसिल फ्यूल पर ही चल रही है लेकिन एक ना एक दिन ये फ्यूल भी खत्म हो जाएगा। फ्यूल खत्म होने के बाद दुनिया कैसे चलेगी और इसका विकल्प क्या होगा इस बात पर साइंटिस्ट कई साल पहले से ही काम कर रहे हैं और कई सारे विकल्प भी तैयार किए जा चुके हैं। फॉसिल फ्यूल के विकल्प के तौर पर कैलिफोर्निया की एक कंपनी बग्स की मदद से फ्यूल तैयार कर रही है। बग्स से तैयार होने वाला इस फ्यूल को फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस फ्यूल को तैयार करने के लिए बग्स बायो वेस्ट के इस्तेमाल करती हैं। बायो वेस्ट इनका भोजन होता है और बग्स का वेस्ट बायोफ्यूल। हालांकि ये प्रोसेस अभी काफी महंगा है लेकिन जब क्रूड ऑयल अवेलेबल नहीं होगा तब उसके विकल्प के तौर पर इसे बायोफ्यूल का ही यूज किया जाएगा। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को सस्ता बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। 6 नेकेड चिकन। साइंटिस्ट के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, वो जिस बारे में सोच लेते हैं उसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। वैसे तो मुर्गियों में पंख उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है लेकिन जब इसे खाने के लिए काटा जाता है तब पंख निकालने के लिए मेहनत और काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए साइंटिस्ट ने बिना पंख वाले चिकन को ही डेवलप कर लिया है। जी हाँ, इस चिकन का स्किन पूरी तरह फेदरलेस है। इस फेदरलेस चिकन को नेकेड चिकन नाम दिया गया है। इसराइल के साइंटिस्ट एविक्टोर कहनेर और उनकी टीम ने नेचुरल ब्रीडिंग मेथड से इस चिकन को डेवलप किया है। चिकन में फेदर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को ब्लॉक किया गया जिससे फेदरलेस चिकन का डेवलपमेंट हुआ। नेकेड चिकन का ग्रोथ नॉर्मल चिकन के मुकाबले तेजी से होता है और गर्मी में भी कोई स्पेशल देखभाल की आवश्यकता नहीं होती लेकिन सर्दी इन मुर्गियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। 5 डबल मसल्स पिग्स। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है दुनिया में नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। खाने वालों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ता नजर नहीं आ रहा। इसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने नॉर्मल से दुगने आकार के पिग्स को डेवलप करना शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत नॉर्मल पिग के शरीर में मसल्स को बढ़ाया गया ताकि मीट सप्लाई में कोई कमी नहीं हो। शरीर में मसल्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन मायोस्टैटिन जीन में फेरबदल किया गया ताकि मसल्स का डेवलपमेंट नहीं रुके। जीन फेरबदल करने का परिणाम ये हुआ कि सेम टाइम पीरियड में ही पिग्स नॉर्मल से दोगुना ज्यादा वजनी हो गए। इस एक्सपेरिमेंट को साउथ कोरिया में साइंटिस्ट जिन सू किम के लीडरशिप में किया गया। जिन सू किम का मानना है कि फ्यूचर में इस टेक्निक से पिग डेवलपमेंट करके नॉनवेज की कमी को पूरा किया जा सकता है। 4 लैंड माइंस डिटेक्टिंग प्लांट्स। लैंड माइन जमीन में कहां पर छुपा हुआ है इसका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल और घातक है। पूरी दुनिया में लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लैंड माइन जमीन के अंदर छुपे हुए हैं और उसके छुपे होने की एग्जैक्ट जगह के बारे में शायद कोई नहीं जानता है। लैंड माइन को डिटेक्टर से तलाश करना भी काफी ज्यादा मुश्किल और घातक हो सकता है। लैंड माइन को ढूंढने में आने वाली परेशानियों को देखते हुए डेनिश कंपनी एरासा बायोडिटेक्शन ने एक ऐसे पौधे को डेवलप किया जिससे लैंड माइन का पता लगाया जा सकता है। सालों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट ने इस पौधे को डेवलप करने में सफलता हासिल कर ली है। जमीन में लैंडमाइन छुपे होने पर इस पौधे का रंग 3 से 5 हफ्तों में हरे से लाल हो जाता है। इस पौधे से काफी कम खर्च में ही बिना किसी खतरे के लैंडमाइन का पता लगाया जा सकता है। 3 रूपी। रूपी नस्ल का कुत्ता दूसरे नस्ल के कुत्तों से बिल्कुल अलग है। रूपी वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसजेनिक डॉग है। इस कुत्ते की खासियत ये है कि इसकी स्किन अल्ट्रा वायलेट लाइट से ग्लो करती है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया के रिसर्चर बियोंग चुन ली और उनकी टीम ने इस स्पेशल डॉग को डेवलप किया है। अल्ट्रा वायलेट लाइट में ग्लो करने वाले इस डॉग को फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को क्लोन करके डेवलप किया गया है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के क्लोनिंग से रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट में ग्लो करता है। ट्रांसजेनिक डॉग को डेवलप करने के लिए ली और उनकी टीम ने 344 एम्ब्रियोस को 20 कुत्तों में इम्प्लांट किया
जिसमें से सिर्फ 7 एम्ब्रियोज ही डेवलप हो सके। 7 में से 1 की मौत प्रेगनेंसी पीरियड में ही हो गई, जबकि 1 की मौत जन्म के 11 हफ्ते बाद हो गई। बचे हुए 5 ट्रांसजेनिक डॉग अभी भी जीवित हैं और पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। 2. द वैकेंटी माउस। 1996 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक चूहे के अंदर ह्यूमन ईयर को डेवलप करने में सफलता हासिल की थी। कान के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के कारण इसे लैब में डेवलप करना काफी मुश्किल काम था, तो इसी बात को देखते हुए साइंटिस्ट चार्ल्स ए वैकेंटी और उनकी टीम ने एक चूहे के स्किन के अंदर कान को डेवलप करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। कान को बनाने के लिए कार्टिलेज का उपयोग किया गया था। काउ कार्टिलेज सेल्स को बायोडिग्रेडेबल ईयर शेप्ड मोल्ड में डेवलप किया गया, फिर इसे चूहे के स्किन के अंदर इम्प्लांट किया गया। स्किन के अंदर कार्टिलेज नेचुरली कान के आकार में डेवलप हो गया। इस प्रोजेक्ट को उस समय काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिली। 1. द रियल प्लैनेट ऑफ द एप्स। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। सालों साल रिसर्च के बावजूद कोई भी ऐसा इलाज नहीं मिल सका है जिससे कि पार्किंसन का पूरी तरह इलाज किया जा सके। पार्किंसन का इलाज के लिए जापान में साइंटिस्ट की एक टीम ने बंदरों पर कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए हैं। इस एक्सपेरिमेंट से मिले परिणाम में पार्किंसन का पक्का इलाज मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। इस एक्सपेरिमेंट में पार्किंसन से पीड़ित बंदरों में ह्यूमन स्टेम सेल से तैयार किए गए न्यूरॉन को बंदरों में ट्रांसप्लांट किया गया। इस ट्रांसप्लांट के 2 साल के भीतर ही साइंटिस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। बंदर चलने के काबिल भी बने और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ी। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि इस टेक्निक से पार्किंसन बीमारी से पीड़ित इंसानों का भी इलाज मुमकिन हो सकता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।